कल ऊर्जा रिएक्शन हुआ था, आज फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, जब एराइल हैलाइड का दो अणु का रिएक्शन सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइफेनाइल बनता है। इंग्लिश में होगा, When two molecules of aryl halide, इसको हैलोजन भी कहते हैं। When two molecules of aryl halide reacts with sodium metal in presence of dry ether, diphenyl is obtained. This reaction is known as Fittig reaction. हिंदी में होगा, इस अभिक्रिया को फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आप समझिए, जैसे बेंजीन के ऊपर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा देंगे तो ये क्या होता है, क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, आयोडो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, ये सब को हैलोएरिन कहते हैं। हैलोएरिन का दूसरा नाम क्या है, एराइल हैलाइड। हैलो एल्किन को का दूसरा नाम क्या है, एराइल हैलाइड। तो बेंजीन में हमको याद होगा इस रूप में लिखते हैं, 6 कार्बन का साइकिल बनाएंगे, 3 जगह डबल बॉन्ड दे देंगे, 3 जगह डबल बॉन्ड का मतलब ऐसे बनाना है बेंजीन, 3 जगह डबल बॉन्ड बेंजीन हो गया, क्लोरीन लगा देंगे तो ये क्लोरो बेंजीन हो गया, ब्रोमीन लगाएंगे तो ब्रोमो बेंजीन, आयोडीन तो आयोडो बेंजीन, क्लोरीन लगाएंगे तो क्लोरो बेंजीन। 3 डबल बॉन्ड के जगह पर गोला भी दे सकते हैं तो ये क्लोरो बेंजीन है। अच्छा, इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, इस रूप में यहाँ भी क्लोरीन लगा सकते हैं, सब एक ही चीज़ है। तो यहाँ देखिए, क्लोरोबेंजीन का दो मॉलिक्यूल लिया गया है, दो मॉलिक्यूल, उसका रिएक्शन किसे करा है, सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो दोनों बेंजीन रिंग जो था यहाँ पर आपस में जुड़ गया, ये क्लोरीन जो दो क्लोरीन है, दो सोडियम मिलकर क्या बना देगा, टू एन एस सी एल बाहर निकल गया। इस रूप में भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस रूप में लिख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन लिए, दूसरा क्लोरोबेंजीन लिए, दो सोडियम आया, दोनों सोडियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बाहर, बेंजीन का दोनों रिंग आपस में क्या हो गया, जुड़ गया। इस कंपाउंड का नाम क्या है, डाइफेनाइल। तो ऊर्जा रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन में क्या अंतर है, ऊर्जा रिएक्शन में हैलो एल्केन का दो मॉलिक्यूल लिए थे तो बड़ा एल्केन बना था, जैसे क्लोरोमीथेन का दो मॉलिक्यूल लिए तो इथेन बना, क्लोरोइथेन का दो मॉलिक्यूल लिए तो ब्यूटेन बना था। इसमें क्या है कि हैलो एल्केन के ऊपर क्या लेना है, हैलोएरिन, हैलोएरिन क्या एराइल हैलाइड, दोनों एक ही चीज़ होगा। इसमें क्या करना है, बेंजीन के में क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या ब्रोमीन लगाएंगे, यहाँ यदि ब्रोमीन लगाते तो ये ब्रोमोबेंजीन होता, यहाँ क्या निकलता, टू एन ए बी आर, मतलब दो क्लोरोबेंजीन ले लिए, सोडियम के साथ अभिक्रिया करा तो दोनों सोडियम क्लोराइड बाहर हो गया, दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गया, इस कंपाउंड का नाम क्या है, डाइफेनाइल। तो ये ऊर्जा रिएक्शन की तरह है, लेकिन ऊर्जा रिएक्शन में क्या क्या होता है, एल्काइल हैलाइड, यहाँ क्या होता है, एराइल हैलाइड या हैलोएरिन, और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, सोडियम क्लोराइड, ब्रोमीन लेंगे तो क्या निकलेगा, सोडियम ब्रोमाइड। तो यह इस रूप में लिखिए, जगह होगा तो आयरो दे करके ये वाला कंपाउंड सीधा लिखा जाएगा, जगह नहीं होगा तो नीचे भी लिख सकते हैं आयरो दे के, यदि ये समझ में आ गया तो ये ठीक है, नहीं तो अगर ये समझ में आया तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ऊर्जा रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन दोनों को कम्प्लीट कीजिए, और कल जो रिएक्शन होगा वो ऊर्जा और फिटिक मिला करके होगा, जिसको ऊर्जा फिटिक रिएक्शन कहेंगे। क्या समझना है, ऊर्जा रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन, और फिटिक रिएक्शन में एराइल हैलाइड या हैलोएरिन, का दो मॉलिक्यूल लेना है, दोनों में सोडियम से अभिक्रिया कराना है, दोनों में ड्राई ईथर लेना है, और उसमें दोनों दो एल्काइल ग्रुप जुड़ता था, इसमें दो बेंजीन का रिंग जुड़ेगा। कल वाले रिएक्शन में ऊर्जा और फिटिक दोनों एक साथ हो जाएगा, इसलिए इसको दोनों को कंप्लीट कीजिए।
और ये सब रिएक्शन नेम रिएक्शन के रूप, इसको नेम रिएक्शन कहते हैं। हालांकि है ये केमिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन जो भी साइंटिस्ट के नाम पर होगा, फिजिक्स साइंटिस्ट का नाम है, वो भी क्या था, साइंटिस्ट का नाम। तो जो भी साइंटिस्ट के नाम पर रिएक्शन होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और उसको क्या कहते हैं, नेम रिएक्शन। और नेम रिएक्शन आपको या तो डायरेक्ट नेम रिएक्शन पूछेगा, या जब आगे रिएक्शन होगा व्हाट हैपेंस व्हेन, मतलब क्या होता है जब, या इसको इसको उसमें बदलिए जाएगा, मीथेन से इथेन बनाइए, इथेन से ब्यूटेन बनाइए, तो इसको कन्वर्जन कहते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को। तो उस सब क्वेश्चन में भी साइंटिस्ट के नेम बोला, मतलब नेम रिएक्शन आपके काम का है, इसलिए इसको कंप्लीट कीजिए।